गुड मॉर्निंग गाइस। कल का दिन इतना हेक्टिक था, रात को ठीक से सो नहीं पाई। कौन सा बात कर रहे थे उधर, मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था मैं उनके साथ बैठ के बात करूं, बट मैं इतना थक गई थी मैं सोचा सो ही जाती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ छत पे कपड़ा सुखाने के लिए। एंड लिटरली सुबह के 8 बज चुके हैं एंड द अमाउंट ऑफ फॉग आप देख सकते हो, इतने सारे फॉग, इतना सारा, मतलब यहाँ से मेरे को वो स्टेज, उधर स्टेज लगा हुआ है, मेरे को स्टेज तक नहीं दिख रहा, इतना अमाउंट ऑफ फॉग है यार। मतलब कितनी ठंडी भाई गॉड, बहुत ठंडा है इधर यार, बहुत ठंडा। मैं नीचे जा रही हूँ मेरे से और सहा नहीं जा रहा है, बाय। तो अभी सब भैया लोग इधर आए हैं, माया दी हमारा अच्छा खासा इंट्रो दे रही है। इंट्रो दो हमारा इंट्रो। बंगाली मारवाड़ी अंदर है। माया दी आप रसगुल्ला कहाँ का? बंगाल का। किसका? हमको जीआई टैग मिला है रसगुल्ला। जो खा रहे हो खा, मेरे को खाना। तो रसगुल्ला अमर नुहे। कल रात को मैंने कुछ किया आंटी, मैंने क्या किया? रात को सो रही थी, सब कोई सो गए थे। हाँ। फिर रात को बोले प्लीज प्लीज, मैं बोले क्या हुआ जना, क्या हुआ? मैं सोची तबीयत खराब हो गया था, उठ के ऐसे कह रहे, मैं देखी मैं नीचे सो गई नहीं, मैं सो रही हूँ, फिर तो चुपचाप सो रही है। रात को ना मैं नेहा को ढूंढ रही थी, नेहा किधर है? नेहा तो किधर थी? मैं नीचे सो गई थी, मेरे पास नहीं सोई। तो वैसे भी मेरे पास सो नहीं रही थी, श्रुति के पास सोई थी गधी। अब मैं बुलाई थोड़ी थी कोई भी आगे, कल तो मैं ऐसे नींद में दिखी, मैं क्या बोलूं? मुझे नेहा चाहिए। नेहा कहाँ है? नेहा को समझ में आ गया था कि क्या रिकॉर्ड करना है। किसको? इनको भाई। तो क्या गंदे बच्चे, रात को भी कोई चीज बतानी होती कंटेंट के लिए। हाय राम, ये सुबह नहीं बता सकते? अरे रात को फिर कंटेंट रिकॉर्ड नहीं किया था, नींद में ही बोल रही थी। नींद में बोल रही थी पागल। शी इज नॉट स्लीपी है ना, रात को खिलाई नहीं रहती है। एक बार ही क्या होता है, मेरी एक दोस्त आई थी, श्वेता आई थी रूम में सुबह सुबह, आई उसका नींद का डिस्टर्बेंस होता है ना, तो ये चिल्लाती है खुद भी, बोल रही है नॉनसेंस, मतलब सोई है नॉनसेंस नॉनसेंस कर करके वो ना ऐसा पलट रही है, ऐसा पलट रही है। एक दिन रात को उठ के क्या करिए पता, लात मारूंगी मैं ना, डर क्या क्या करूंगी, लात मारूंगी। फिर मम्मी क्या कि के हो गयो इधर कि तबियत खराब होगी, के हो गयो टेंशन, इन्हें आई थी गाड़ी बस बिन कवर कर कर सुहाने पश। हाँ तो मेरे को अपने बारे में एक चीज पता ये चला है कि मैं रात को बड़बड़ाती रहती हूँ सबको, बात ये है कि मैं रात को बात करती रहती हूँ और सबके सर में दर्द कर चुकी हूँ बात कर करके। कल मैं नेहा को बुलाई, फिर उआ टीटा ऐसे क्या करके फिर मैं सो गई। गुड मॉर्निंग शनशा, मार खाएगा तुम्हें, बोल रही हूँ, गुस्सा मत दिला मेरे को, ठीक है? डो 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 डो, मैं ना रोऊंगी यार, इरिटेट कर रहे यार, रुक जा बेटा। तो अभी हमारा मेहंदी सेशन हो रहा है, अपनी माया दी की मेहंदी लग चुकी है, रितु दीदी का मेहंदी सेशन हो रहा है, उनके हाथों में मेहंदी लग रही है, इधर एक हाथ में मेहंदी लग रही है, इधर एक हाथ में मेहंदी लग रही है। और अपनी श्रुति दीदी के लाइफ में तो अलग ही दुख है, बेचारी का व्लॉग एडिट मतलब अपलोड नहीं हो रहा है, दो दो वीडियो बना के रखी है माता, बट नहीं हो रहा है। अब लगाया ना? नहीं, आपका फिर इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, अपने मेकअप लगाया है। ए भाई ये लड़का तारीफ भी करते ना बेइज्जती के साथ, मेरे को बोल रहा है आपने मेकअप लगाया ना, आपका फेस इतना ग्लो कैसे कर रहा है? मेकअप लगाया ना इन्होंने। हाँ, अभी पीछे देख भी कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है। और ये है हमारा अपने इधर पे हैंडसम हंक फिट बच्चा, अपने फैमिली का हमारा चॉकलेट बॉय। चुप, ये अच्छा बच्चा का चॉकलेट बॉय नहीं बनना है बेटू। और ये भी हमारा एक हैंडसम बच्चा है, बट बदमाश काफी है ये बच्चा, व्लॉगिंग करने में बहुत डिस्टर्ब करता है, आपको तो पता ही चल चुका होगा। क्या बोला? आज नहीं करोगे? आज अच्छा बच्चा बनेगा, अच्छा बच्चा बनेगा, तो आज ये अच्छा बच्चा बना, मैं इसको 50 रुपए दूंगी। बस सो मैं हो गई हूँ रेडी एंड यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। आधे लोग तो चले गए, इतना भीड़ था इधर कुछ टाइम पहले। सो हम नीचे मिलते हैं। मेरे को आउटफिट मेरा आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड दूसरे रूम में नेहा दीदी रेडी हो रही है, हम नीचे जाके सबसे मिलते हैं। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि लाइक अच्छे से कोई मेरा फोटो शूट तो एटलीस्ट कर दे यार।
तो ये रही हमारी प्यारी नेहा दीदी, देखो प्रिंसेस जैसी लग रही है वो यार। ये अपने आप को कोई एक महल पैलेस की महारानी समझती है, राजकुमारी समझती है, पता नहीं बोल रही अपने आप को रानी सा बोलने के लिए। समझती हूँ मतलब क्या है, मैं हूँ दीदी। ये हमारी ब्राइड बहुत प्रिटी लगते हुए, एंड ये हमारी दीदी है, कौन बोलेगा इनको, मतलब इतनी फ्रेश दिखती है, इतनी फ्रेश दिखती है, दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। मासी जी, मासी का ऑल कलर तो आप ही के लिए बना है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। हाय जीजू, करने के लिए मेरे को करना क्या है? मस्त लग रहे हो जीजू, कैसे लग रहे हो? दिन आराम ही रहा है, फिल्म में बड़ा है। थोड़ा मारवाड़ी में कुछ बोलो ना। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। फिल्म में ही रहा है, दिन में क्या करेंगे? सो अभी हमारी सुंदर सुंदर कन्याएं रेडी हो गई आज के, देखो तो अपनी श्रुति भी इतरा रही है, और ये हमारी प्यूली है जो बहुत ही सुंदर दिख रही है। मेरा पर्स दो ना बेटू, प्लीज दो ना। थैंक यू। अरे प्यारी पियू, बोलते ना दे दे तो मैं नहीं देती। अरे बाप रे, पियू वही करती है जो उसको बोला जाता है, उसका ऑपोजिट करती है वो, ठीक है। मामा जी तंठा है ना? मन सब ठा है। तने ठा है? हमारे मामा जी ना मेरे को चिढ़ाने के लिए जब मेरे को देख रहे तंठा है ना, तंठा है ना, सबको ऐसे पूछ रहे मेरे को चिढ़ाने के लिए। और ये मामा जी कल रात को डिनर करते टाइम में भी वो तंठा है लड़की किधर गए ऐसे मेरे को ढूंढ रहे थे। मामा जी इधर मेरे ब्लॉग में देखो। यस। सो इधर होने वाला है रिंग सेरेमनी हम अपनी दीदी का। सो हम लोग अंदर आ गए और ब्यूटीफुल सा सेटअप है इधर तो। सो ये ब्यूटीफुल सा सेट प्रिपेयर किया जा रहा है, इधर दूल्हा दुल्हन का, जो होने वाले दूल्हा दुल्हन उनका रिंग्स रखा जाएगा एंड वहाँ पर पहनाया जाएगा वहाँ पे। एंड हमारी दुल्हन तो बहुत प्रिटी लग ही रही है, वेट है हमारे भैया जी कब आएंगे। और हमारे जीजू भी मस्त तैयार हो गया बैठे, आज इनकी सगाई है, यहाँ पे सगाई होने वाली है। दीदी इधर बैठी है, अच्छे लग रहे हो। मैं कैसी लग रही हूँ? ऑसम, धन्यवाद। और यहाँ ना सब चलते फिरते ऐसे बड़े बड़े मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं, पता नहीं इतने घी खाते हैं ये लोग, लड्डू और इतना बड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे तेरे मुंह जैसा उसमें लड्डू रखा जाता है, तेरे मुंह ही जैसा स्ट्रक्चर है उसका, क्या बोलते हैं? और इधर हमारे मामा जी कर्म कर रहे हैं अपना, उनकी भतीजी की शादी है, इधर मंडप बन रहा है, कल यहाँ पे शादी है दीदी और जीजू का, एंड यहाँ पे सब गेस्ट बैठे रहेंगे। एंड उधर होगा संगीत का फंक्शन जो कि रात को होने वाला है, एंड हम तीनों को परफॉर्मेंस देना है, एंड वो क्या देंगे हम श्रुति? तथैया हो, हमें कुछ भी नहीं पता रहता है हम फंक्शन में क्या करने वाले हैं, बट फंक्शन अच्छा चला जाता है हमारा। और हमारे कूल डूड हैंडसम हंक्स लोग आ रहे हैं। अरे 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 अरे, ये तो सबसे बड़ा हैंडसम हंक। अरे तुम भी पहन लेते यार व्हाइट कलर का, ब्लैक क्यों पहना? व्हाइट है नहीं मेरे पास। जीहू हाय, जीहू 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 जीहू, बोल कर ले बेइज्जती। का चैनल का नाम क्या है? जस्ट जेना थिंग्स। जस्ट जेना थिंग्स को सब्सक्राइब कर दो, वो बात अलग है, आप बहुत बोर हो गए, बट ठीक है एक बार के लिए, क्योंकि फ्री होता है सब्सक्राइब का। बस नोटिफिकेशंस बंद ऑन करना, क्योंकि आपका फोन ट्रिंग से खत्म हो जाएगा अगर नोटिफिकेशन उसको आया कि ये चैनल से आया। हो गया। तो यहाँ पर खाने का भंडारा लगा है, पूरा गुलाब जामुन, हलवा, कचौरियाँ, ओ माय गॉड, गरम गरम कचौरियाँ, पापड़, चावल, दाल, पनीर, और भी ऐसे खाना बनता जा रहा है सबके लिए। तलो तलो, ये क्या है भैया? क्या मंचूरियन? ये मंचूरियन तल रहे हैं भैया रात के खाने के लिए, एंड यहाँ पर सब मंचूरियन फ्राई होके रखा जा रहा है, और ये पापड़ और इतने सारे गुलाब जामुन, ये सब्जी, एंड उधर बन रहे हमारे चपाती जो हम सब खाने वाले हैं। सो अभी यहाँ पे दीदी और जीजू का रिंग सेरेमनी होने वाला है, पूजा में वो दोनों बैठ गए हैं, और मैं अपने दोनों सखी सहेलियों के साथ और एक कांगे इसके साथ बैठ गई हूँ इधर। हम लोग इधर बैठे हैं सो दैट हमें डायरेक्ट व्यू मिल सकता है इधर, एंड ये सब फैमिली लोग बैठे हैं यहाँ पे, अच्छे से सब एंजॉय कर रहे हैं। अभी वहाँ पे दीदी का ग्रैंड एंट्री हुआ, मस्त सा जो ड्रीम एंट्री होते हैं ऐसे फवारे फूटने जैसा वैसे हुआ है, और नेहा के मुंह पे फवारे फूट जाते हैं उधर, बेचारी बचते बचते बाल बाल बची है। और आई गेस श्रुति को बहुत तेज़ भूख लगा है, नहीं भूख लगा, मेरा आँख वो
धुआं था, बहुत ज्यादा ही धुआं था। और बताओ हम जो तीन तितलियां हैं मेरे दो अनमोल रतन कैसे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। अगर जो भी है एक तो येलो एक तो पिंक और एक वाइट हाथ देना जरूर देना, भूलना मत, ठीक है ना, बाद में बात करते, बाय। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, एक मिनट बेटू। इतनी बड़ी दल बदलू लड़की है ये, पूरा ऐसे ऐसे हालत प्यूर आइडेंटिफाई, ये पंखा हिल रहा है और इसको लगता है ये गिर जाएगा, नहीं गिरेगा बेटू। एंट्री लिए थे ना दुल्हा दुल्हन, उनके वेलकम के लिए हुआ है धुआं। तो ये दुल्हन की तीन बहने हैं जो एंगेजमेंट रिंग है उसको ऊपर दुल्हन के पास लेके जाएंगी और उनकी और रिंग सेरेमनी रिंग्स एक्सचेंज किए जाएंगे उन दोनों के बीच में। और यहाँ पर सब हमारी मामी लोग, सब अपनी आंटी लोग बैठ गए आराम से देखने के लिए शादी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर काजू कतली की पैकिंग हो रही है जो दुल्हन के साथ जाएगा। एंड ये है काजू कतली का पेस्ट जिससे काजू कतली बनती है, उसका बैटर है। ढोल बजने की आवाज़ आ चुकी है, मतलब फंक्शंस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं गैस, तो हमें भाग भाग के उधर जाना है एंड फंक्शन अटेंड। ओह माय गॉड, मार खाएगा मैं तेरे को बोल रही हूँ, बार बार मेरा ब्लॉगिंग कैमरा ऑफ कर दे रहा है। इतने जोर जोर से ढोल बजे कि मेरे सर में दर्द हो गया, पूरा कान के पर्दे फट गए, मेरा कान का ब्रेक। हाय पिंकी दीदी, कैसे हो, कैसे लग रही हो? और भाई साहब राम राम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अभी ना भैया भाभी का फोटो शूट चल रहा है, उन लोग को एक दूसरे को देखने के लिए शर्म आ रहा है इसलिए बोल रहे पुराना हो गया है। अभी भी वही प्रेम है यहाँ पे। चलो चलो पकड़ के घुमाओ भाभी को, चलो 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 चलो। अरे पागल, तेरी शादी नहीं होगी, मैं बोल रही हूँ नहीं होगी शादी तेरी, इतना जल्दी नहीं, नहीं हो रही तेरी शादी, मजाक कर रहे हैं। मैं तेरे को 6 महीने पहले ट्यूशन दे दूंगी कि मेरे को सपने आ रहे हैं, भाग जाना। एक महीने बाद आ रहे तो दोनों भैया हमें यहाँ पे मिले और भैया को मैंने ओडिशा इनवाइट किया है और उनको छेना क्या खाना है, छेना पोड़ा, छेना पोड़ो, वो कुछ और बोल रहे तो मैंने बोला उनको छेना पोड़ो बोलते, तो उनको छेना पोड़ो खिलाएंगे। आप रसगुल्ला खाएंगे खोजा? दोनों गाएंगे, दोनों मीठे गए हैं। और मामा जी भी आएंगे, और मामा जी आप आएंगे ना? आएंगे ना, पूरी आएंगे, अभी परिक्रमा भी हो गया है। नहीं कि तुम इधर उधर हो जाओ, नहीं 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 नहीं, बस आप याद कर देना, आप भी आना, आप सब आना, मुझे कौन मना करने वाला है, पूरा वेलकम टू ओडिशा राजस्थान। ये बच्चों का तो अलग ही चल रहा है यार, और पता है मैं फोटो क्या दोस्त है मेरे को उठाने के लिए, खेके हो रही है मेरे में। मजा आया बनाना, मजा आया ये भी बनाना इसका। दीदी बोल रही है ये गिर गई, बेचारी रील बना रही थी अभी, बोले बोले हाथ से गिर गई पूरा। और श्रुति दीदी ने मेरे को बचाने भी नहीं आया, वो मेरे पे हंस रही थी, गंदा हंसी वो मेरे पे, मेरे को बुरा लग रहा है। ओ अलग, चल जा फोटो शूट कर दूंगी मैं तेरा, जा। जेना तू सुन दे, क्या किया तूने जानू, क्या किया तूने? मेरा चश्मा चलेंगे, लेके भाग गई वो लड़की, बोले गब्बू आया उसको प्यार करने, देख क्या गिरा बेटू, गब्बू क्या गिरा बेटू, तुमने वो जो इंसान नहीं होते जो बोलते हैं आ बैल मुझे मार, तो कुछ ऐसा सीन हुआ था। मेरे को भी ऐसा बिठाओ प्लीज, मेरे को भी बिठाओ, इनके ऊपर बैठते हैं।
गाड़ी के साथ तो मेरा अलग ही स्ट्रगल है। मेरे को दो इंसान चाहिए, एक तो मेरे को खुद को हैंडल करने के लिए खुद काफी नहीं हूँ, एक इंसान चाहिए ऊपर से मेरी साड़ी पहन रखी हूँ। तो श्रुति दीदी एज अ हेल्पर मेरी बहुत हेल्प करी और हमें दिए है रूम फर्स्ट फ्लोर में, माई वेरी गुडनेस। और यहाँ का ठंडा तो जोड़ों में दर्द कर दे रहा है हमारा तो। ए माँ ये क्यों बात कर रही हूँ मैं, मेरा एक्सेंट तो इनके जैसा ही हो गया है। तो अभी बन रहे गरम गरम पाव भाजी, पाव बने और भाजी बने और उसके साथ खट्टी नींबू और ये बन रहा है मंचूरियन। तो हमारी जो साक्षात पीयू माता है उनको मैंने एक चैलेंज दिया कि उतनी लंबी लाइन से तुम पाव भाजी लेके आओगी फॉर वो फिर 2 मिनट में। उसने फ्लाइंग कलर्स के साथ वो चैलेंज एग्जैक्टली, तो उसने फ्लाइंग कलर्स के साथ वो चैलेंज पूरा किया, गुड जॉब। बेचारी अपने पीयू को सब परेशान कर रही है दोनों मिलके, उसका खाना खा ले, मत करो यार मत करो छोड़ दो। वॉट एवर द थिंग इज आई एम ओल्ड मा, ए ओल्ड मा ओल्ड मैन ने दू ओल्ड मैन, यू कीप योर ओल्ड मा इन योर पॉकेट। ऐसे दोस्त मिले मेरे को मनाते भी नहीं है, ये तो एटलीस्ट मना ही भी, वो देखना ये फिर बोलती है वो मेरे मोटे आ रहे उसको बोल मनाएगी उसके हाथ है मने मनाओ ठीक है। मेरे को देखने के बाद इन लोगों का ये हालत उसकी गड़ गए, मैं खुद को भी अभी तक खुद को नहीं देखी दिख रही, आप ही लोग बताओ। जस्ट संगीत में मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज गाना बज रहा था, संगीत का मतलब ही गाना होता है तो गाना बजा था बहुत ज़्यादा तो कॉपीराइट इश्यूज़ आएंगे इसलिए मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई मैक्सिमम चीज़ें, पर मैंने कुछ कुछ किए जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बैकग्राउंड में म्यूज़िक हटा के जिसमें आपको गेस करना है कि वो कौन सा म्यूज़िक था, तो मैं 1 घंटे पहले आ चुकी, थोड़ा मतलब आसपास बेड को थोड़ा नीचे सा साफ़ करके बैठी हूँ अभी, मैं सोचूँ सो जाऊँ बट मेरे को एडिट भी करने का, मेरे फ़ोन का स्टोरेज पूरा भर गया है, मैं एडिट करने के लिए आधे घंटे से बैठी हूँ, बस मेरा आँख ऐसे बंद हो जा रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, देखती हूँ मैं कितना कर पा रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो ठीक है भाई कल सुबह देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और हम इंडियंस हैं हमें तो पोस्टपोन करने का आदत ही है हर चीज़ को कि कल कर लेंगे, फोरकास्ट करने का तो बहुत ज़्यादा ही आदत होती है बचपन से। सो या कुछ ऐसा था हमारा दिन, और मुझे कहाँ का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए प्लीज़ डू सजेस्ट मी, मैं आपको किस टाइप का व्लॉग्स देखना और अच्छा लगे कि मैं क्या ऐड कर सकती हूँ कि मेरे व्लॉग्स में आप और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो मेरे को बताओ सो दैट मैं ऐड करके आपको मस्त सा व्लॉग बना के दूँ। चलो अभी टाटा बाय।